राइट, तो आज का प्लानिंग बता देता हूँ तुम लोगों को। आज का प्लानिंग है पंजिम, सब चर्च करने एक्सप्लोर हमें, और सब नहीं, एक फेमस चर्च है जो, वही चर्च को एक्सप्लोर करने वाले आज। तो एरो स्क्वाड रेडी है हमारा और अभी निकल चुके हैं। चलो गाइस, ऑल सेट, बाइक्स भी रेडी है और हम भी रेडी है। फटाफट अभी निकल रहे पंजिम चर्च के लिए। और बहुत ज़्यादा धूप है यार, क्या बात करूँ। चलो चलो निकलने का। यहाँ से पंजिम चर्च दिखा रहा है 1 घंटे का रास्ता। चलो चलो, कुछ ज़्यादा ही अंदर था यार हमारा होटल। आई गेस वो हाँ कोलवा बीच के पास था। और अभी हम जा रहे पंजिम। आज व्यू लग रहा है इधर पूरा ओपन, और अभी पूरा जंगल एंटर हो रहा है। वेलकम टू वैरना। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things. जब हम नॉर्थ में थे तब हमको पता नहीं था कि पंजिम हमारे से उधर से नजदीक है। अभी साउथ में हम सीधे पंजिम जा रहे हैं। हाँ यार भाई, फिर भी प्लान कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। जो प्लेसेस डिसाइड किए थे वो सब हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। ओके पंजी, बस पंजी का कुछ किलोमीटर ही नहीं दिखा है इधर, और पंजी आ गई है। क्या धूप है यार। सुबह में मस्त क्लाइमेट रहता है, शाम में मस्त रहता है, रात को तो पूछो मत, क्या चिल क्लाइमेट रहता है रात में। और दोपहर में इतनी धूप रहती है ना, उसमें आज हम लोगों ने जैकेट वगैरह नहीं, क्योंकि भाई जैकेट में फिर इतना सब लोड लेके घूमने से अच्छा है ऐसे घूमो। के मुंबई 616 किलोमीटर, मापुसा 34, पंजिम 22 और वास्को 21। ओके, तो 22 किलोमीटर रिमेन्स, लेकिन और आधे से पौना घंटा में जाएगा ही जाएगा। Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? ये ब्रिज जो लगा है ना, क्या सही ब्रिज है यार। कल भी हम लोग जब आए थे, क्या बोलते हैं ना, फुल हेवन ब्रिज था। ये ब्रिज के ऊपर भाई क्या टॉप एंड देगी, बस इतना कि ये जो बीच में जॉइंट है उधर भाई थोड़ी वाइबल होती है एडम। तो पूरा रोड इतना प्लेन रोड है, और कॉर्नर में क्या ही बोलूँ यार, इसके एक नंबर रोड था। और रोड से बात करें तो अभी हमारा रह गया 9 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर रिमेन। आज पहले अगर हमको पता रहता ना ये इधर ही है, तो इतना बड़ा राउंड नहीं जाता हम लोग का, क्योंकि इधर ही तो पहले तो कैलेगेट में ही लिए थे ना हमने रूम, तो इधर से बहुत ना 10 किलोमीटर का गैप रहेगा। और अभी हमने 35 किलोमीटर करके आ रहे हैं। तो बस देख ही देख यार, ओहो हो, ये रहा चर्च। अगर अभी तक बाइक किधर पार्क करेंगे, पार्किंग का प्रॉब्लम है इधर, पार्किंग का। सो फाइनली चर्च के सामने खड़े हम लोग, और ये मैं हाथ में हेलमेट लेके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये बड़े सामान लगने देख लेता है क्लाइमेट, बाकी एक नंबर यार। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग अभी आ गए इधर ये चर्च के सामने जो पंजिम में था। और क्या क्लाइमेट है यार पंजिम का, मतलब रोड भीड़ यहाँ पे देखो ना, फुल वर्थ है यार। अभी थोड़ा इधर जाते हैं, इधर सिनेमैटिक शूट करने का प्लान है, थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे भाई। इतना आए हैं हम लोग, फ़ोटो शूट तो बनता है हम लोग का। हाँ भाई से भाई दिखा दो, ये लिया हो इधर से, फुल गोवा वाइब ब्रेसलेट, फुल गोवा वाइब देने का भाई। क्या सही चर्च है यार ये। फाइनली हम लोग अभी चर्च में आ गए, और आई गेस ये ओपन नहीं है अभी क्योंकि नो एंट्री तो दिख रहा है यहाँ पे मुझे। देखो कि चर्च कितना मस्त है यार। फुल ये हमारा स्क्वाड इधर बैठ भी गया। बस इधर तक ही चालू है चर्च, यहाँ पे आगे तो नो एंट्री लगा है, तो यहाँ पे चालू ऊपर जाने तो नहीं मिलने वाला। और फुल पीस है यार। सही है, इधर लोग कैंडल्स जला रहे। ऑल राइट, सो इधर शूट एंड ऑल करके तो सब हो गया हम लोग का। और बहुत ज़्यादा क्राउड है इधर, अगर शूट करना है तो मॉर्निंग में आना ज़रूरी है। क्या फ़ोन है मेरे पास, क्या क्राउड है इधर देख लो। अभी निकल रहे इधर से, कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी रूम्स क्या है यार इधर, वर्थ अभी देखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करना है जैसा है, क्योंकि शूट एंड ऑल तो करना है यार इधर, तो वही सोच रहा हूँ। और अभी तो थंबनेल निकालना है मेरे को, तो थंबनेल तो आप लोग देख भी लिया रहेगा अभी तक, तो उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चर्च के सामने ही एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है यार, क्या शूट हुआ इधर। वो शूट अगर आप लोगों को देखना होगा ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो जो लोग करते हैं वो लोगों ने तो देख लिया रहेगा अभी तक, और जो लोग नहीं करते मेरा इंस्टा हैंडल इधर पर आ रहेगा, इंस्टा आई डी को फॉलो करो। क्या सही शूट किया आप लोग को देखने को मिलेगा उसमें, तो इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करना। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि और क्या क्या करूँ, क्योंकि इधर जो दो लोकेशन था उतना तो मेरा कवर हो चुका है। बाकी यार क्या व्यू है यार। तो चलो और कुछ नया देखते हैं अभी। और